सभी श्रोताओं को उत्तराखंड टू हेवन की टीम की ओर से सेवासोनी प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन तो बराबर कर रहे होंगे। तो चलिए, हमने जो अपनी लोक कथाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को उभारने का प्रयास एक छोटी सी पहल की है, उसी पहल के तहत हम एक छोटी सी कहानी और जीतू गढ़वाल की सुनाने जा रहे हैं। यूँ तो आपने उत्तराखंड के कदम कदम पे कई प्रकार की कहानियाँ सुनी होंगी, पर जब आप गढ़वाल क्षेत्र में जाओगे तो आपको स्पेशली जीतू बगड़वाल की कहानी सुनने को मिलेगी। गढ़वाल के लगभग हर गांव में जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा का नाट्य रूप में मंचन किया जाता है, यह आपको देखने को मिल जाएगा। जीतू बगड़वाल जो हैं गढ़वाल रियासत के गमरी गांव के बगुड़ी के आधिपत्य थे, यानी वहाँ पर उनका आधिपत्य था, शासक थे उस गाँव के। तो एक बार की बात है, रोपाई के दिन नज़दीक आ रहे थे तो जीतू बगड़वाल ने अपने छोटे भाई सोबनू को बुलाया और कहा कि भाई सोबनू, पंडित जी के पास जा और हमारी रोपाई के दिन का तय करके आ। पहले जो होता था रोपाई का दिन, आज तो भले लोग अपनी मर्जी से चले जाते, कोई अच्छा सा दिन देखा और रोपाई शुरू कर देते हैं, पर पहले जो है बिल्कुल राशि भविष्य देख के रोपाई की जाती थी। रोपाई का दिन तय किया जाता था कि किस दिन रोपाई की जा सकती है और कौन से मुहूर्त में। तो यही सब को देखने के लिए सोबनू अपने भाई की कुंडली लेके पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी जीतू बगड़वाल की राशि भविष्य देखते हैं और सोबनू से कहते हैं कि जीतू की राशि भविष्य में तो रोपाई का दिन तो है ही नहीं। तो अब वो सोचने लगता है कि क्या हो सकता है, पर वो कहते हैं पर ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी बहन सोबनी की जो है शादी हो चुकी थी दूसरे किसी गाँव में, कहा कि अगर वो आए रोपाई के दिन और वो पहले धान रोपना, पहले दिन करवाना, मतलब जो रोपाई का पहला धान रोपा जाता है, खेतों में लगाया जाता है, वो उस इंसान के हाथों से होता है जिसके राशि भविष्य में रोपाई का दिन होता है, कि अगर सोबनी आए तो उसके हाथों से हो सकता है, आप उसे बुलाइए और उसके हाथों से। अब सोबनू ये खबर जीतू को देता है तो जीतू बड़ा खुश होता है। उसे वो अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए बहुत उतावला हो उठता है, क्योंकि जो सोबनी की ननद थी भरना, वो जीतू बगड़वाल की प्रेयसी, यानी उससे उन दोनों का बीच प्रेम संबंध था, तो उसकी वजह से उतावला था। वो अपनी बहन को लेने के लिए उतावला नहीं था, अपनी साली भरना को मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। तो वो अपनी माँ से कहता कि मैं जाऊँगा। अब उसकी माँ समझ गई थी कि ये क्यों इतना उतावला और क्यों जाना चाहता है। तो उसकी माँ बोलती कि तू नहीं जाएगा जीतू, कि जो है सोबनू जाएगा। तो जीतू जिद करता कि मैं ही जाऊँगा। अब अपनी माँ को बोलता मैं जाऊँगा। तभी तक उनकी बकरी पास में, जो उसका नाम तीलू था, वो छींक लेती हैं। अब कहते छींकना अपशगुन माना ही जाता है। तो उसकी माँ बोलती कि जीतू देख ले कि अब बकरी ने भी छींक लिया तो ये अपशगुन हो गया। वो मानता ही नहीं है। अब उसकी माँ भी मान जाती कि ठीक है चला ही जा भाई जो भी है। तो अब जो हमारे यहाँ कलेऊ बोलते हैं, अरसे बनते हैं उसमें स्वाले, जो हमारे स्थानीय एक पकवान होता है स्पेशली मिठाई, तो उसे लेके जाओ हम जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो उसे स्पेशल ले जाया जाता है। हमारे स्थानीय उत्तराखंड में तो ज़रूरी ले जाया जाता है। तो अब वो बनने शुरू होते हैं तो देखते हो उसका जो, अब वो बना रहे होते तो वो फट जाती है, वो टूट जाती है, वो बन नहीं पाती मिठाई। तो उसकी माँ बोलती कि जीतू देख कि अब शगुन पे अब शगुन हो रहा है कि तू मत जा। तो वो बोलता है कि नहीं माँ मैं जाऊँगा और जल्दी ही आऊँगा। तो उसकी माँ, वो होता, अब उसकी वाइफ जो होती जीतू की पत्नी होती है, वो भी जानती थी कि ये भरना अपनी साली को पसंद करता है, उसकी वजह से वहाँ जा रहे हैं। तो उसे भी गुस्सा आता है, तो गुस्से में बोलती कि ठीक है जाओ, पर कि भगवान कह रहे तू वापस ना आए। अब जीतू अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़ता है, तो बीच में जंगल पड़ता है रैतल का, जो कि खेंट पर्वत का जंगल है। तो कहते हैं खेंट पर्वत में आछरी यानी पारिपरियों का निवास है। अब जीतू वहाँ पे एक पेड़ की छाया में बैठता है और अपनी बांसुरी, कहते हैं जीतू बगड़वाल को जो बांसुरी का ज्ञान था, जो बांसुरी बजाता था वो बहुत ही अलौकिक था, जो भी सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था उसकी बांसुरी की धुन पे। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बांसुरी बजा रहा होता है, तो ये बांसुरी की धुन अब आछरियों के कानों तक पहुँचती है। तो आछरियाँ आती हैं और उस मधुर बांसुरी की धुन पर नाचने लगती हैं, और अब वो धीरे 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 जीतू बगड़वाल को हरने लगती हैं। तो जीतू अब ये देख के संकट में वो पछताता है कि अपनी माँ की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता, पर अब क्या क्या जा सकता था, बहुत देर हो चुकी थी। अब वो अपने इष्ट देवता भैरव देवता और अपनी देव कुल देवी को याद करता है और कहता है कि मेरी रक्षा करो। तो उनकी जो कुल देवी और जो भैरव देवता थे, उनकी मदद से परियों से वो कुछ दिन की मोहलत मांगता है और कहता है कि मैं रोपाई करके, रोपाई के दिन जो है मैं आ जाऊँगा, मेरे को कुछ टाइम दीजिए कि मुझे अपनी साली से भी मिलना है। तो परियाँ उसे वक्त दे देती है और कहती हैं कि तू अपनी मर्जी से आ जाना,
नहीं तो हम तेरे को खुद हरने आ जाएंगे। तो मान जाता है। अब वो अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है तो उसे सबसे पहले अपनी बहन ही मिलती शोभनी, पर उसकी आंखें तो भरना को ढूंढ रही थी। तो वो इधर उधर देखता है तो फिर भरना मिलती है, तो भरना से खूब सारी बातें करता है। तो अब जब वो अपनी बहन को ला रहा होता है वापस, तो वो भरना को इशारों इशारों में कह देता है कि शायद हमारी मुलाकात फिर होगी कि नहीं, ये तो भगवान ही जाने। तो वो वहाँ से चला आता है। अब वो ये परियों वाली बात किसी को भी नहीं बताता घर पे। तो अब रुपाई का दिन आता है। तो रुपाई के दिन जो है जीतू हल लगा रहा होते हैं, तो कहते हैं कि वहीं जिस खेत में वो सेरा बोलते हैं रुपाई के जो खेत होते हैं जिसमें हम रुपाई करते पानी वाला, तो उस खेत में एक गड्ढा हो जाता है और उसमें दोनों वो बैलों की जोड़ी और जीतू समा जाते हैं। पर कुछ लोग कुछ कहानियों में कहा जाता है कि जीतू बग्डवाल के साथ साथ उसकी जो है पूरी फैमिली भी उस पानी उस बाढ़ में जो भी है वहाँ पे जो गड्ढे में समा जाती हैं। तो कुछ लोग को कहना है कि जीतू बग्डवाल की मौत के बाद उनकी फैमिली पे जो है बहुत विपदाएँ बहुत कष्ट आए। उनकी दुश्मनों ने जो है, अब वो बहुत बड़े आदमी थे तो उनके दुश्मन भी थे, उनके दुश्मनों ने जो है उसके भाई की भी हत्या कर दी। अब ये सब देखकर जीतू बग्डवाल जो है अपनी फैमिली की मदद करता था, पर अदृश्य रूप में वो दिखाई नहीं देता था। वो अब सुबह पानी भरता था, जो भी घर के काम होते थे वो जल्दी जल्दी रात को निपटाता था, जितने भी काम हैं दिन को वो क्योंकि नहीं रह सकता था तो वो रात को सारे काम निपटा देता था। अब उसकी माँ, कुछ दिन ऐसे चलता रहा पर उसकी माँ को शक हुआ कि ये काम कर कौन रहा है। अब उसकी माँ ने किसी, अब होता है अन्य महिलाओं से महिलाओं के पेट में बात नहीं पसती, अब हो रहा है तो हमें भी शक होता है तो थोड़ा सा होता ही है। तो अब उसकी माँ किसी से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसकी उसे कोई सजेशन मिलता है। कोई औरत उससे बोलती है कि तुम ऐसे क्यों नहीं करती बहन कि तुम बैठ जाओ एकदम चुपके से देखो कि वो आदमी है कौन, कौन ये काम कर रहा है, कि एक बार तुम पकड़ तो लो उसे। तो उसकी माँ कहती ठीक है। तो उसकी माँ एक दिन छुप जाती है सीढ़ी के पीछे, ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं पहले गाँव में होते हैं, मंजिल ऊपर एक नीचे ऐसी बनाए जाते हैं, ढालदार छतें होती हैं, तो ऐसे सीढ़ियों के पीछे छुप जाती हैं। तो अब जीतू बग्डवाल सुबह सुबह पानी भर रहा भर के आ रहा होता है अपने धारे से, पहले तो धारे होते थे। तो जीतू बग्डवाल की माँ जो है उसे पीछे से पकड़ती है और देखती है तो जीतू है, तो कहती माँ तूने ये क्या किया। तो जीतू को जो है परियों द्वारा एक वरदान था कि तू जो भी है वो रात को ही वो काम कर सकते हैं, दिन के उजाले में बिल्कुल भी तू कोई काम नहीं कर सकता, दिन के उजाले में तुझे वापस आना होगा, रात को तुझे जो करना है वो कर सकता है, पर हाँ याद रखना कि तुझे कभी कोई छुए ना, अगर तुझे किसी ने देख लिया और तुझे छू लिया तो उस दिन से तू अदृश्य ही रहेगा। तो अब उसकी माँ ने छुआ तो अब जीतू बग्डवाल जो है कभी भी वहाँ पे मदद के लिए नहीं आ सकता था। अब ये कहानी जो है टिहरी नरेश के कानों तक, जो टिहरी नरेश थे उनके कानों तक पहुँची, तो उन्होंने ऐलान किया कि आज से जीतू बग्डवाल को जो है अदृश्य देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो ये थी जीतू बग्डवाल की कहानी, जिसने अपनी साली के प्यार के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो हमारे साथ बने रहिए, उत्तराखंड टू हेवन की टीम आपकी ऐसी मनोरंजन के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।